टकले सैमी जैन का होगा स्मैकडाउन में सम्मान या फिर ट्राइबल चीफ के सामने उड़ेगा उनका मजाक? आखिर क्यों सैमी जैन अपना लुक बदलकर टकलू बॉस बनने जा रहे हैं? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों बीते स्मैकडाउन के एपिसोड में जब उसोस ने शेमस और बुच को हराकर अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स रिटेन कर लिए, तो मैच के बाद बैक स्टेज हमें ब्लडलाइन का एक जोरदार सेगमेंट देखने को मिला, जहां उसोस और सैमी जैन अपनी जीत का जश्न मनाते हुए मजे कर रहे थे, तो वहीं सोलो सिकोवा दिल टूटे आशिक की तरह मुंह फुलाए बैठे थे। लेकिन जब जिमी उसो और सोलो सिकोवा चले गए, तो जय ने सैमी को अकेले बात करने के लिए अपने साथ ही रोक लिया। फिर जय उसो ने सैमी जैन से कहा कि सैमी तुझे पता है ना कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ आने वाले हैं, अब हफ्ते दर हफ्ते तेरा लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तू अपने इन लंबे बालों को कटवा कर और थोड़ी बहुत दाढ़ी सेट करवा कर अपने नए लुक में सामने आए, क्योंकि अगले हफ्ते शिकागो में होने वाले स्मैकडाउन की रात तेरे लिए बहुत बड़ी रात होगी। जय की ये बात सुनकर सैमी बहुत हैरान और एक्साइटेड दिखाई दिए। वहीं सैमी ने अपना सर मुंडवाने के लिए भी हाँ कर दिया, और जाते जाते जय ने एक बार फिर सैमी को टकला होने के लिए कहा, मतलब ये तो लगभग पक्का है कि नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा, तो उनके सामने टकले सैमी जैन अपने नए लुक में दिखाई देंगे। अब ये जय उसो की कोई चाल है या फिर सच में वो सैमी का भला चाहते हैं, ये तो हमें आने वाले स्मैकडाउन में ही पता चलेगा। वहीं ट्राइबल चीफ का सैमी के नए लुक पे रिएक्शन भी देखने लायक होगा। लेकिन अगर रोमन को ऑनरेरी उसका ये नया लुक पसंद नहीं आया, तो सैमी जैन का बहुत बुरा पोपट होगा और उनकी तगड़ी वाली बेइज्जती भी होगी। लेकिन क्या आप सैमी जैन को टकला उस बनते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।